तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो भाई आप सभी लोग का दोबारा से स्वागत है आप सुबह वॉलीबॉल के एक नए मजेदार एपिसोड में। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि हमने ट्राइसेराटॉप्स और इगानोडॉन को टेम किया था, जो कि हमारे बैरी कलेक्ट करने में बहुत हेल्प कर देते। तो आज के एपिसोड में हम डोडीकेरस और एंकिलोसोरस को टेम करने जा रहे हैं, जो कि हमारे इस आर्क की सीरीज में बहुत मदद करेंगे मेटल और स्टोन फार्म करने के लिए। तो चलिए सीधा हम चलते हैं उनको टेम करने के लिए। और जो उस दिन मैं मेटल फार्म करके आया था वो अभी तक स्मेल्ट हो चुके होंगे, तो मैं उनको निकाल के अभी स्मृति में रख देता हूँ ताकि बाद में उनकी जरूरत पड़े तो हम उनको यूज़ कर सकें। और हाँ भाई, जो भी चैनल पर नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो अभी मैं सारे मेटल को निकाल के स्मृति में रख देता हूँ और सीधा हम चलते हैं डोडीगरस और एंकिलोसोरस को टेम करने के लिए। मैंने कार्नो आइलैंड पे दोनों को देखा था जो कि अच्छे लेवल के थे, और अब मैं इन मेटल को रख देता हूँ। और मेरे को वहाँ से मैंने एक स्टैगो को मारा था, टेक स्टैगो को, जहाँ से मेरे को थोड़े इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलीमर और ऑयल मिल चुका था। और इन चीज़ों का यूज़ भी हम आने वाले टाइम में करेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। अभी मैं अपने एजेंट विनोद को बुलाता हूँ और चलते हैं सीधा एंकिलो और डोडीकरस को टेम करने के लिए। मेरे को पता नहीं भाई कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डोडीकरस जो भी है, लेकिन हाँ डोडीकरस ही बोलेंगे उसको। तो अभी मैं अपने एजेंट विनोद को लेके पहुंच चुका हूँ यहाँ पे पहाड़ी पे। तो अब मैं देखता हूँ कौन से लेवल का घूम रहा है यहाँ पे। तो डोडीकरस है 55 लेवल का और एंकिलो है यहाँ पे 70 लेवल का, तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। चलो इनको टेम करने का काम चालू करते हैं। अपने एजेंट विनोद को पहुँच मतलब एजेंट विनोद को लेकर पहुँच गया मैं यहाँ पे, और मैंने इसको उठाने की कोशिश की लेकिन उठा नहीं पाया, पता नहीं क्यों। तो फिर मैं अपने अर्जेंट एवेस को यहीं पर रोक देता हूँ ताकि मैं इसको ऐसे ही टेम कर लूँ, क्योंकि आसपास कोई डेंजर डैनो नहीं था। तो मैं इसको टेम करने का काम कर देता हूँ चालू। तो चलो ये अब इसको लॉन्ग नेक राइफल से थोड़ा गोलियां मारते हैं और नॉकआउट करते हैं इसको। फाइनली अपना एंकिलोसोरस हो जाता है नॉकआउट, और मैं यहाँ से थोड़ी बेरी जमा करता हूँ और इसमें डाल देता हूँ। तो अभी हम अपने एंकिलोसोरस एंकिलोसोरस को क्या बोलते हैं इसको, मेरे को तो समझ नहीं आता भाई। हाँ, अपने एंकिलोसोरस को यहाँ पे छोड़ते हैं टेम होने के लिए और सीधे चलते हैं हम अपने डोडीकरस को टेम करने के लिए। तो दोबारा मैं आ जाता हूँ पहाड़ पे डोडीकरस को देखने के लिए कि वो कहाँ पे घूम रहा है। मेरे को यहाँ पे 90 लेवल का मिल जाता है डोडीकरस, जिसको देख के मैं बहुत खुश हुआ गाइस, और सीधा चला गया मैं अपने डोडीकरस को टेम करने के लिए। तो मैंने इसको बहुत सारी ट्रैंक बुलेट मार तो दी थी, लेकिन ये शेल बन गया और इसका दूसरा डोडीकरस दोस्त आ गया हमको मारने के लिए। तो मैंने इसको थोड़ी सिंपल राइफल एमओ मारी और अपने एजेंट भी विनोद को बोला कि इसको अटैक करे, तो ये उसका दोस्त भी शेल बन गया यहाँ पे। तो मैंने इस वाले डोडीकरस को यहीं पे छोड़ दिया और अपने डोडीकरस पे ध्यान देने लगा जो कि हम टेम करने वाले थे, और अपना एंकिलोसोरस भी अच्छा खासा टेम हो गया था। तो मैंने अपने डोडीकरस के उठने का वेट किया और आर्क के व्यू का मजा लिया, आप भी लीजिए।
तो फाइनली हमारा डूडी क्रश नींद से जाग गया और हमने इसको दोबारा ट्रैक। फाइनली हमारा डोडी क्रश भी एक गोली का था और हमने इसमें एक गोली मारी और इसको भी नॉकआउट कर दिया और इसमें भी हमने बैरी इकट्ठी करी और डाली। बैरी डालने के बाद मैंने थोड़ा वेट किया और मेरा वेट करने का मतलब था कि मैंने लकड़ पर वो तंग किया। यहाँ पे देखो मेरे पास अभी वेट के सिवा कुछ करने को था नहीं, तो मैंने लकड़ बग्गू को थोड़ा झापड़ मारे और वहाँ से उड़ के भाग के पहाड़ में जा रहे। फाइनली अपने दोनों डायनो टेम हो चुके थे और मैंने अपने दोनों डायनो को क्रायोपोर्ट किया और सीधा चला गया अपने बेस की तरफ। तो भाई मैं बेस की तरफ जा ही रहा था तो मेरे दिमाग में एक बात आती है जो मेरे को आपसे बहुत टाइम से कहनी थी कि गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेस पर पहुंचते ही मैंने अपने दोनों डायनो के लिए सैडल बनाई जिससे मैं इनको राइड कर सकूँ और इनकी एबिलिटी को टेस्ट कर सकूँ गाइस। तो हम सीधा निकल गए पत्थरों की ओर डोडी क्रश को लेके और पत्थर फार्म करने के लिए। मैंने यहाँ पे अपने डोडी क्रश को ड्रॉप किया और डोडी क्रश पर राइड करने के लिए गया और इससे बहुत सारे पत्थर करवाए, साथ में मजदूरी भी करवाई इससे। तो हाँ गाइस अब देखो हम कितना सारा स्टोन एक ही बारे में कलेक्ट कर पा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको एंकिलोसोरस की एबिलिटी नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि उसके लिए हमको मेटल के पास जाना पड़ेगा, मतलब मेटल के जो पत्थर होते हैं ना उनके पास जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अपने एंकिलोसोरस और डोडीक्रस को फोटोशूट के लिए ले आता हूँ और ताकि इस फोटो को मैं थंबनेल के लिए यूज़ कर सकूँ। तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो गाइस, बाय बाय।